Hello everyone, in this video I am explaining age detection techniques of digital image processing. Any grayscale image, कोई भी grayscale image में 0 to 255 इतने pixel intensity values होते हैं. In which we know that 0 indicates perfect black and 255 indicates perfect white. यानी जीरो वैल्यू यूज होता है ब्लैक को रिप्रेजेंट करने के लिए और 255 वैल्यू यूज होता है व्हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके बीच वाले जो सारे वैल्यूज है दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट ग्रे शेड्स. और अगर बाइनरी इमेज है हमारे पास जिसमें कि सिर्फ टू दो ही कलर है ब्लैक एंड व्हाइट, तो जीरो रिप्रेजेंट जीरो यूज करते हैं ब्लैक को रिप्रेजेंट करने के लिए और वन यूज करते हैं व्हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब एज क्या होता है किसी भी इमेज में, कि एज इज द हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया बिटवीन लाइट एंड डार्क पिक्सल. यानी कोई भी इमेज में अगर एक साइड में बहुत डार्क पिक्सल है जैसे यहाँ पे दिखा है और एक साइड में लाइटर पिक्सल है, तो दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है उसे क्या बोलेंगे, एज. अगर आप ये मेरा इमेज देख सकते हो तो बैकग्राउंड में क्या है, व्हाइट है और ये हेयर लाइन है, तो देर इज अ हाई कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, और इसलिए ये हेयर लाइन का जो एज है इसको क्या बोलेंगे, इमेज का एज. और यही कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उसी का प्रोसेस हम लोग इसमें करने वाले हैं. डिफरेंट डिफरेंट एजेस होंगे, हॉरिजॉन्टल एजेस होंगे, वर्टिकल एजेस होंगे और डायगोनल एजेस भी होंगे इमेजेस में. लेकिन कोई भी इमेज में एज डिटेक्शन टेक्निक यूज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इमेज को वी हैव टू पैड विथ जीरोस या फिर रैप अराउंड करना चाहिए इमेज को. अब पैडिंग विद जीरोज यानी क्या होता है, कि कोई भी एक हमारे पास इमेज है तो उसको चारों तरफ से आपको जीरो डाल देने हैं, ये हो गया पैडिंग विद जीरो. और रैप अराउंड क्या है, कि कोई भी सेम इमेज है हमारे पास तो उसको हमने क्या किया, रैप अराउंड किया. यानी ये जो बॉटम इमेज के जो पिक्सल्स है या ये हमने यहाँ पे टॉप पे डाल दिए, और जो टॉप पे है ये बॉटम में डाल दिए, और ये कॉर्नर में जो है वो इस कॉर्नर में डाल दिए, थ्री है इस कॉर्नर में डाल दिया और सो ऑन. अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं पैड विद जीरो या रैप अराउंड, टू सेव द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया और एज डिटेक्शन टेक्निक्स को यूज किया तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज के बाउंड्रीज पे जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लूज करेंगे, मिस करेंगे, और इसलिए हमेशा पहले हमें ये करना चाहिए. एज डिटेक्शन टेक्निक, इन एज डिटेक्शन टेक्निक वी कन्वॉल्व अ फिल्टर और मास्क विद द इमेज. उसमें एक इमेज होता है और एक फिल्टर दिया होता है, फिल्टर को हम मास्क भी बोल सकते हैं, कर्नेल भी बोलते हैं. तो ये जो फिल्टर है उसको हम हमेशा इमेज के साथ क्या करते हैं, तो कन्वॉल्व करते हैं. कन्वोल्यूशन क्या होता है, कि ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इमेज है, यहाँ पे जीरो पैडिंग नहीं किया है, यहाँ पे रैपिंग नहीं किया है, सिंपल एक्सप्लेन कर रही हूँ, और यहाँ पे एक कोई भी मास्क है. ये हमने हाई पास फिल्टर में भी किया था, लो पास फिल्टरिंग में भी किया था, लेकिन मास्क डिफरेंट होते हैं. तो ये एक फिल्टर है, इसको कन्वोल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये एक फर्स्ट इमेज के फर्स्ट पोजीशन पे डाला और इसको पिक्सल टू पिक्सल मल्टीप्लाई करना है, पिक्सल टू पिक्सल इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके बाद सबको ऐड करना है. तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे 0 × −125 × 0 + ये सबको मल्टीप्लाई, पिक्सल टू पिक्सल मल्टीप्लीकेशन और फिर सबका एडिशन, तो आपको एक नंबर मिलेगा. अब ये नंबर का हमें क्या करना है, कि यहाँ जो इमेज का फर्स्ट पोजीशन का जो सेंट्रल पिक्सेल था, 3 × 3 का हमारा मास्क है, इसमें जो सेंट्रल पिक्सेल है 75, इसको अब हमें न्यू इमेज में रिप्लेस करना है बाय न्यू वैल्यू दैट इज 230. इसके बाद हम मास्क क्या करेंगे, नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे, फिर से सेम कैलकुलेशन करेंगे, हमें और एक न्यू वैल्यू मिलेगा और उसको हम रिप्लेस कर देंगे सेंट्रल पिक्सेल के वैल्यू से, जैसे इस 80 को. तो ये हो गया कन्वोल्यूशन प्रोसीजर, और यही हमें करना है एज डिटेक्शन टेक्निक में. यहाँ पे इस डायग्राम में दिया हुआ है, फिर इसमें भी हमने जीरो पैडिंग या जो रैप अराउंड है वो नहीं दिखाया है, डायरेक्टली इमेज लिया है, ये एक वर्टिकल मास्क है, वर्टिकल मास्क को कन्वॉल्व किया है और ये हमें यहाँ मिला है आउटपुट इमेज. यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है. अब यहाँ पे हमने जीरो पैडिंग और रैप अराउंड नहीं किया है, इसलिए आप देखिए बेसिक इनपुट इमेज का साइज है 6 × 6 और आउटपुट में हमें मिल रहा है 4 × 4. तो यहाँ हमने इमेज का इंफॉर्मेशन क्या किया है, मिस किया है, वी आर लूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज, और इसी के लिए हम लोग जीरो पैडिंग करना चाहिए. बड़े बड़े इमेजेस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इमेज साइज छोटा है तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है.
देखिए यहाँ पे सेम ये वर्टिकल एज डिटेक्शन फिल्टर हमने यहाँ पे यूज किया है। ये इमेज है, लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, राइट हैंड साइड में 0 है। 0 को एक ग्रे लेवल से रिप्रेजेंट किया है और 10 को व्हाइट से रिप्रेजेंट किया है। ये हो गया इसका इमेज। ये है मास का इमेज, 0 को रिप्रेजेंट किया है ग्रे से, -1 को ब्लैक से और 1 को व्हाइट से। और इसको हमने यहाँ पे हर पोजिशन पे कन्वॉल्व किया और हर बार सेंट्रल पिक्सल को न्यू वैल्यू से रिप्लेस किया, तो हमें इस तरह से आउटपुट इमेज मिला जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। 30 को रिप्रेजेंट किया व्हाइट से और 0 को रिप्रेजेंट किया है एक ग्रे वैल्यू से। तो इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे मिस किया है फिर से इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने 0 पैडिंग नहीं की है, लेकिन इसने ये एज डिटेक्ट किया है बीच वाला, जो कि इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए अब सेम इमेज है, इसको हमने फ्लिप कर दिया, 0 को लेफ्ट हैंड साइड में लाया है, 10 को राइट हैंड साइड में लाया है। तो ये जो पहले इस तरह से दिख रही थी इमेज अभी ऐसे दिखेगी। मास्क हमारा सेम है, कन्वोल्यूशन किया, कन्वोल्यूशन के बाद इसमें हमें कुछ इस तरह का इमेज दिख रहा था, अब हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है, क्योंकि सेंटर में -30 है जिसको कि रिप्रेजेंट किया है ब्लैक से और 0 को रिप्रेजेंट किया है फिर से ग्रे से। तो इस तरह से ये एज दोनों सिचुएशन में दिखा रहा है। अलग अलग फिल्टर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिल्टर होते हैं जिसमें ये सेंट्रल में 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे, वर्टिकल एज डिटेक्शन के फिल्टर्स होते हैं। सिर्फ इमेज में आपको अगर सिर्फ आउटलाइंस ही एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए अलग फिल्टर्स या कर्नल्स रहेंगे, और अगर एम्बॉस करना है तो आपको अलग मास्क मिलेंगे। एज डिटेक्शन ऑपरेटर्स, एज डिटेक्शन ऑपरेटर्स 2 टाइप्स में है, ग्रेडियंट बेस्ड है और गॉसियन है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ग्रेडियंट बेस्ड यूज कर रहे हैं, जिसके की 3 टाइप्स है, सोबेल है, प्रिविट है और रॉबर्ट ऑपरेटर है। और हम लोग वन बाय वन तीनों को अभी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट ऑपरेटर। रॉबर्ट ऑपरेटर कुछ नहीं है, ये एक मास की है, सोबेल में भी, सॉरी नॉट रॉबर्ट, सोबेल। सोबेल में दो हमारे पास मास्क है, या यू कैन से कर्नल है। अगर हम इसको कन्वॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा GX, और अगर हम इसको कन्वॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा GY। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ये है, हॉरिजॉन्टल के लिए ये यूज होता है। फाइनली हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट ऑफ GX² + GY² टू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ एज। अब यहाँ पे वी कैन अप्लाई मोर वेट टू द मास्क। अब ये तो स्टैंडर्ड मास्क है, लेकिन इसकी ये वैल्यूज चेंज करके हम लोग उसका वेट बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, तो ये एजेस का जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा हम लोग कर सकते हैं बाय चेंजिंग दिस वैल्यूज। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, दिस इज लीना इमेज एंड दिस इज ए सोबेल ऑपरेटर। यूज करने के बाद हमें इस तरह के एजेस मिले हैं, लेकिन सोबेल ऑपरेटर यूज कैसे करना है, क्योंकि अब कन्वोल्यूशन मैंने आपको सिर्फ एक मास के साथ बताया, अब इसमें दो मास है, एक वर्टिकल के लिए यूज होता है और एक हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है। तो ये कैसे करेंगे, ये आप इमेज है इसका, ये जो है ये कोई भी एक पोजीशन दिखाया उन्होंने कि सपोज आपने एक ये एक सेंटर पोजीशन, एक फर्स्ट पोजीशन ले लिया, ये आप वन मास है वर्टिकल मास और ये है आपका हॉरिजॉन्टल मास। ये वर्टिकल कर्नल आपने यहाँ पे कन्वॉल्व किया तो आपको एक वैल्यू मिला GX। फिर आपने ये दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल जो कर्नल है वो भी इसी पोजीशन पे इन्हीं पिक्सल्स के साथ कन्वॉल्व किया तो आपको मिला GY। आपके पास दो वैल्यूज है GX एंड GY, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको मिलेगा 1 फाइनल वैल्यू। और अब आपको इस सेंट्रल पिक्सल वैल्यू को न्यू वैल्यू से रिप्लेस करना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे, नेक्स्ट पोजीशन पे भी आपको दोनों को कन्वॉल्व करना है, आपको मिलेगा GX एंड GY। फिर से आपको फॉर्मूला यूज करना है, फिर आपको मिलेगा सेकेंड वैल्यू और फिर आपको नेक्स्ट पिक्सेल को रिप्लेस करना है। और ये आपको कब तक करते रहना है, ये कंटिन्यूअसली करते रहना है जब तक आपका फाइनली ये लास्ट पोजीशन पे नहीं आ जाता है। और यहीं पे अगेन इसमें भी जैसे कि जीरो रैपिंग नहीं किया है तो यहाँ पे भी इनपुट इमेज का साइज बड़ा है और आउटपुट इमेज का साइज छोटा है, और हमने एज का जो इंफॉर्मेशन है वो मिस किया है, लूज किया है। तो ये है सोबेल ऑपरेटर कैसे यूज होता है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन सेम है, ये प्रिविट ऑपरेटर है। अब इसमें वर्टिकल का कर्नेल ये है, हॉरिजॉन्टल का कर्नेल ये है, कर्नेल का सिर्फ डिफरेंस है, कर्नेल का डिफरेंस है। प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, भले आप सोबेल का यूज करो या प्रेविट का यूज करो, द मेथड इज सेम। आप इसको कन्वॉल्व करोगे आपको मिलेगा GX, सेम पोजीशन पे आप
इस कर्नेल को कन्वॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा जी वाई, आपको ये यूज करना है फॉर्मूला, आपको मिलेगा वन वैल्यू, और सेंट्रल पिक्सेल को आप लोग आपको रिप्लेस कर देना है इस न्यू वैल्यू से जो कि हमने प्रीवियसली देखा है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ऑसिस डिटेक्टर, ये सिर्फ 2x2 का कर्नेल है, इसमें जीरोज है इस डायरेक्शन में और इस कर्नेल में जीरोज है इस डायरेक्शन में, अदरवाइज ये दोनों भी सेम है। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जे स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर। अगर आपका इमेज है ये इस तरह का आपका इमेज है, आपको इस कर्नेल को मास को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, कन्वोल्यूशन करना है, कन्वोल्यूशन करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगा जी एक्स, आपको ये लेफ्ट टॉप का वैल्यू जो है इमेज का वो रिप्लेस करना है, क्योंकि ये 3x3 नहीं है, 3x3 में या 5x5 में ये जो मास्क है 3x3 के होंगे, 5x5 के होंगे, 7x7 के भी होंगे, सोबेल के, प्रिविट के, और उसमें आपको सेंट्रल पिक्सेल वैल्यू मिलेगा जो कि आपको रिप्लेस आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2x2 का है तो आप लेफ्ट टॉप वाला पिक्सेल क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे विथ न्यू वैल्यू और शिफ्ट कर देंगे टूवर्ड्स राइट, और फिर धीरे धीरे आपको बॉटम आके लास्ट पोजिशन तक इस मास्क को कन्वॉल्व करना है। तो ये हो रहा है रॉबर्ट में। तो सोबेल का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, प्रिविट का प्रोसीजर प्रोसीजर सेम है, सिर्फ मास्क में डिफरेंस है, रॉबर्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सेंट्रल पिक्सेल नहीं है तो लैपटॉप पिक्सेल हमें चेंज करना है, अदरवाइज प्रोसीजर सेम होगा। ये कन्वॉल्व करेंगे आपको मिलेगा जी एक्स, ये कन्वॉल्व करेंगे आपको मिलेगा जी वाई, दोनों को आपको फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट करना है जी, और लेफ्ट टॉप का पिक्सेल आपको रिप्लेस करना है बाय न्यू वैल्यू। तो इस तरह से हमें मिलेंगे एजेस। यहाँ पे ये नॉइजी इमेज दिखाई गई है लीना की, जिसमें कि सॉल्ट एंड पेपर नॉइज है, और इस इमेज पे हमने रॉबर्ट भी अप्लाई किया है, प्रीविट भी अप्लाई किया है और सोबेल भी अप्लाई किया है। लाइन डिटेक्शन का जिस तरह से एज डिटेक्शन के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कर्नेल्स यूज करते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं, सिमिलरली लाइन डिटेक्शन के लिए लाइंस भी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इमेज में, वर्टिकल लाइंस होती है, डायगोनल लाइंस होती है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको ये कर्नेल्स यूज करने हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन डिटेक्शन आपको ये कर्नेल यूज करना है, फॉर डायगोनल अगर डायगोनल लाइन इस डायरेक्शन में उसको डिटेक्ट करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये आप फिल्टर यूज करेंगे। अगर वर्टिकल लाइन इमेज में आपको एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपको ये कर्नेल यूज करना है, और अगर डायगोनल लाइन इस डायरेक्शन में और उसको आपको इमेज में एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको ये वाला मास्क या कर्नेल यूज करना है। प्रोसीजर सेम है, कन्वोल्यूशन ही करना है आपको, लेकिन आप सेम कन्वोल्यूशन करके आप लो पास फिल्टरिंग कर सकते हो, आप हाई पास फिल्टरिंग कर सकते हो, आप एज डिटेक्शन कर रहे हो, आप लाइन डिटेक्शन भी कर रहे हो, तो कन्वोल्यूशन आना ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे एग्जांपल इमेज दिखाया गया है, आप देखिए ये ब्लरिंग लो पास फिल्टरिंग के लिए, ये जो ब्लरिंग वाला मास्क है वो है फिल्टर है, वो जब अप्लाई करते हैं सेम इमेज पे तो हमें मिलेगा ब्लरिंग इफेक्ट, और यहाँ हमने ये हॉरिजॉन्टल जो कर्नेल है वो यूज किया है, तो हॉरिजॉन्टल सिर्फ यूज किया है इसलिए हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल एजेस ही इसमें डिटेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये ग्रे स्केल पे अप्लाई किया है और ये कलर इमेज पे अप्लाई किया है यहाँ पे, इसलिए हमारे ग्रे एजेस है और यहाँ पे कलर इमेज के एजेस आपको दिख रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है एज डिटेक्शन टेक्निक यूज करना, सिर्फ आपको कन्वोल्यूशन आना चाहिए, 3x3 कर्नेल के साथ बहुत ही सिंपल जाता है, इसलिए जनरली एग्जाम में 3x3 का ही मास्क पूछा जाता है, 5x5 या 7x7 के साथ नहीं आता है। बेटर रिजल्ट के लिए अगर आप जीरो पैडिंग करोगे या रैप अराउंड करोगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।